जल चढ़ा के वापस आ रहे हैं। मीडिया को जाने दो। तो जोडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौर और नवरात्र की शुरुआत के साथ ही चुनाव प्रचार भी अब तेज हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौर जोटवाड़ा में झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नवरात्र की शुरुआत के साथ ही चुनाव प्रचार तेज। राज्यवर्धन राठौर शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। तो सांसद राज्यवर्धन राठौर को बीजेपी ने जोटवाड़ा से टिकट दिया है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें आपको झारखंड महादेव मंदिर की हम दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर इस वक्त पूजा अर्चना करने के लिए झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे हैं और इसी के साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन के साथ झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर का प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू होगा। बीजेपी ने जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना की और काफी संख्या में उनके समर्थक भी नजर आए इस दौरान। अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा की गई। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो आज से अब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे नवरात्र का पहला दिन और नवरात्र के इस पहले दिन के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने विधानसभा क्षेत्र में अब प्रचार करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। जोटवाड़ा से बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है और वाकई देखिए, इससे पहले जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं राज्यवर्धन राठौर और बीजेपी की पहली सूची आई 41 नामों की जिसमें कई सरप्राइजेस थे और इसी के साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर उन सांसदों में से एक जिन्हें टिकट दिया गया है और अब झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे हैं और वहां से पूजा अर्चना कर जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अब शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड महादेव मंदिर की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड महादेव मंदिर में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रचार प्रसार किया, पूजा अर्चना की। आज पहला दिन है और आज का दिन ये चुना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। झोटवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आपको बता दें आज झारखंड महादेव वो पहुंचे और यहां पर भगवान की पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है चुनाव प्रचार आज से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुरू कर दिया है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। सबसे पहले झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, तमाम कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं झारखंड महादेव की तस्वीरें, जब भाजपा के झोटवाड़ा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंचे, सहपत्नी वो भगवान झारखंड के दरबार पर पहुंचे, ढोक लगाई, पूजा अर्चना करी और आज से चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया। तो
नवरात्रि की शुरुआत के साथ चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। तमाम नेता, चूंकि आज शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, तो आज का दिन उन्होंने चुना है चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए, और आज से चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की, जो कि छोटवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तमाम समर्थकों के साथ सहपत्नी वो आज झारखंड महादेव पहुंचे सुबह। और आज से चुनाव प्रचार तेज किया। तो नवरात्रि की शुरुआत के साथ चुनाव प्रचार में तेजी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे, उसके बाद उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने छोटवाड़ा सीट से उतारा है, प्रत्याशी बनाया है अपना। और सहपत्नी आज वो झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां तमाम समर्थकों के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भगवान के दर पर पहुंचे, ढोक लगाई, और आज से चुनाव प्रचार को वो तेज करने वाले हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चाहे बात करें कांग्रेस की, तमाम तैयारियां तेजी पकड़ने लगी है। कांग्रेस की भी जल्द ही खबरें आ रही है, सूची जारी होगी, मंथन का दौर जारी है। और अब बीजेपी की अगर बात करें तो पहली सूची जारी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 और 18 तारीख को राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं, तमाम संभागों की बैठक लेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, चुनाव प्रचार में तेजी आएगी और दूसरी लिस्ट पर काम किया जाएगा, उसी के तहत ये दौरा होगा। अभी ये तस्वीर देख रहे हैं आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जो कि झोटवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, झोटवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज झारखंड महादेव पहुंचे, चुनाव प्रचार शुरू किया, या ये कहा जा सकता है चुनाव प्रचार अब तेज किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? तो लाल सिंह से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि झारखंड महादेव पहुंचे। आज उन्होंने सहपत्नी कार्यकर्ताओं के साथ भगवान का पूजा अर्चन किया। और आज नवरात्रि के दिन अपनी पत्नी के साथ मैं झारखंड महादेव मंदिर पर अपनी आराधना करने आया हूँ कि शिव भगवान भोलेनाथ पूरे राजस्थान की, हिंदुस्तान को ताकत दे, हमें शक्ति दे, हमारी रक्षा करे, हर एक को, हर एक के परिवार को आगे बढ़ने की क्षमता दे और हमें रास्ता दिखाए, मजबूती दे, प्रधानमंत्री मोदी जी को और ताकत दे, इस राजस्थान के हर एक महिला पुरुष युवा सबको सशक्त करे, मजबूत करे, ये मेरी भगवान भोलेनाथ से मेरी अर्जी है, मेरी प्रार्थना है। चाहे एक सैनिक हूं, एक खिलाड़ी हूं और इस देश का, राजस्थान का सिपाही हूं, मेरे पाँव में कितने ही छाले पड़े, मैं जिस डगर पे चला हूं, भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा और मेरी मुझे शक्ति देंगे और जरूर सफलता राजस्थान हिंदुस्तान को मिलेगी। राठौड़ साहब, कल तक जो नारे लगाते थे भारत माता के माथे का चंदन, राज्यवर्धन राज्यवर्धन, वो लोग बगावत कर रहे हैं, कितना कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी दो लोग अभी आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सब भोलेनाथ की शरण में हैं, भोलेनाथ सबको रास्ता दिखा रहे हैं और जनता जनार्दन,
जिसमें भोलेनाथ का स्वरूप बसता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को भी जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो साथी हैं, उन्हें भी अच्छी तरह पहचानते हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है और उसके अंदर जोटवाड़ा विधानसभा, जहां मुझे अवसर मिल रहा है, पूरी अपनी शक्ति से, जो शक्ति मुझे भारतीय सेना ने सिखाई है, जो शक्ति मुझे राजस्थान ने दी है और जो प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस पूरी 100% शक्ति से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा के हर एक नागरिक, आप समझ गए होंगे इस समय क्या हो रहा, हर एक नागरिक की पूरी तरह से सेवा करूंगा। झारखंड नाथ की जय। राकेश राणा ने की।